कोई अगर जंग का मैदान बनाना चाहते हैं तो डट कर उसका मुकाबला करना होगा। हमें नहीं जाना तुम्हारे मुल्क पे, खोलो कारगिल का। किसी को थ्रेट नहीं है। हालिया वाकियात गिलगित बल्तिस्तान में रोनुमा हो चुके हैं, उसको लेके मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। ये फर्स्ट टाइम मैं वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मुझे ये बनाते हुए तकलीफ़ हो रही है, देखते हुए मुझे तकलीफ़ हो रही है, क्योंकि जो गिलगित बल्तिस्तान पूरे पाकिस्तान और पूरे वर्ल्ड के लिए एक अमन का और टूरिस्ट हब कहलाया जाता था, वहाँ पर आज सेक्टेरियन वायलेंस और सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट्स। गिलगित बल्तिस्तान के अंदर एक बदकिस्मती यही रही है कि जो पाकिस्तान के जो मेन स्ट्रीम मीडियाज़ हैं वो इसको बिल्कुल गिलगित बल्तिस्तान के इवेंट्स को कवरेज नहीं रहते हैं। इसका जो फ़ायदा उठाती है जो पाकिस्तान या गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो इंटरनेशनल जो मीडियाज़ हैं वो इज़ ए प्रोपागेंडाज के तौर पर, जो आप कह लें कि फैक्चुअल नहीं होती है उसको प्रोपागेंडा के तौर पर यूज़ किया जाता है। इस तरह की हिस्ट्री बहुत पहले से रही है और इस बार भी इस तरह का हो चुका है। अब मैं इसकी एक वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ जो इंडियन मीडिया ने इसको पोर्ट्रे किया है और जिसकी वजह से गिलगित बल्तिस्तान के जो अवाम के अंदर एक जो गैप क्रिएट होता था उसको और ज़्यादा हाइप मिली है। अगर मेन स्ट्रीम मीडिया इन चीज़ों को प्रॉपरली कवरेज करेगी, फैक्चुअल चीज़ें दिखाएगी, तो एक नॉर्मल सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया ने पाकिस्तान की अभी तक कुछ भी नहीं जाना तुम्हारे मुल्क पे, खोलो कारगिल का रास्ता। पीओके से कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिन्हें आज एक भी पाकिस्तानी नहीं देखेगा, लेकिन ये तस्वीरें भारत को खुश कर देंगी। पीओके में गिलगित बल्तिस्तान में एक साथ लाखों लोग सड़कों पर उतर आए हैं। पहले आप इन लोगों की संख्या देख लीजिए। इन लोगों ने धमकी दी है कि ये पाकिस्तान के खिलाफ जंग छेड़ देंगे और जल्द ही भारत में जाकर मिल जाएंगे। इन लोगों ने यहाँ तक कह दिया है कि हम पाकिस्तान की सीमा को तोड़कर भारत में जाकर मिल जाएंगे। आपको बता दें कि ये प्रदर्शन भारत के श्रीनगर से सिर्फ 155 किलोमीटर दूर गिलगित बल्तिस्तान के स्कारदू में हो रहे हैं। अगर हुकूमत ने इसके ऊपर काबू नहीं पाया तो ये हो सकता है, इसमें माजी में भी हुआ है, 88 में यहाँ हुआ है, उसके बाद सानेह लोलेसर हुआ है, सानेह बाबूसर हुआ है, सानेह इजलास हुआ है, सानेह कोहिस्तान हुआ है, तो ये बिल्कुल हो सकता है। अंदर जो पुरफा माहौल को बहाल करने के लिए अवामी एक्शन कमेटी ने और जो सिविल सोसाइटीज़ हैं उन लोगों ने बहुत सारी कोशिशें की, जिसके अंदर YDA, यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन ने और जितने भी सिविल सोसाइटी के अंदर सिविल सोशल एक्टिविस्ट हैं उन लोगों ने अपनी भरपूर जो यूथ है उन लोगों ने इनपुट डालने की बहुत ज़्यादा कोशिश की है, बट स्टिल सिविल सोसाइटी है, क्या कर सकती है? अनटिल और अनलेस जो एडमिनिस्ट्रेशन है, गवर्नमेंट है, जो हायर अथॉरिटीज़ है वो ना चाहे, और ये अब गवर्नमेंट के ऊपर है कि वो कितना जस्ट लाइक इसके अंदर अपना इंटरेस्ट शो करती है कि ताकि ये गिलगित बल्तिस्तान का जो पुरअमन माहौल है वो ज़्यादा से ज़्यादा और दोबारा पुरफिजा माहौल है। एक और चीज़ हमेशा आप लोग याद रखें कि घर गिलगित बल्तिस्तान हमारा घर है, और जब तक आप
बाहर के लोगों को इसके अंदर मुदाखलत की दावत देंगे तो आपका घर आबाद नहीं होगा, वो बर्बाद होगा। इसको आबाद करने की सबसे जो पहली जिम्मेदारी है वो गिल बल्तिस्तान के लोगों की है। इस चीज को ज्यादा से ज्यादा समझने। मैं ये कहता हूँ कि हमने अपनी धरती के साथ बहुत जुल्म किया है, हमने अपनी कौम के साथ बहुत जुल्म किया है, हमने अरब ट्राइबल जंग को गिलगित में लड़ा है यूनिशिया की शक्ल में। ये जंग अरबों की थी, ये गिलगितियों की जंग भी नहीं थी। हमने नहीं सोचा है सही मानों में हम अपनी धरती के अंदर नहीं आ सके। अगर एक सुन्नी आलिम दीन है तो हम सबका मुश्तरिका आलिम दीन है, अगर एक शिया आलिम दीन है तो हम सबका मुश्तरिका आलिम दीन है, एक इस्माइली स्कॉलर है तो हम सबका मुश्तरिका है, कोई गैर हमारा नहीं हो सकता। यहाँ से ईरान के शिये और गिलगित के शिया किसी एक कौम के अंदर नहीं आ सकता, सऊदी अरब का सुनी और गिलगित का सुनी एक कौम के अंदर नहीं आ सकता, गिलगित का इस्माइली और कराची या बम्बई का खोजा या बदख्शान का कोई इस्माइली एक कौम के नहीं अंदर नहीं आ सकता। अगर एक कौम के अंदर आ सकते हो तो तुम लोग आपस में आ सकते हो, तुम्हारे एक जैसे हालात है, तुम्हारी आपस में मुमासरत है, तुम्हारे मफादात मुश्तरक है, तुम्हारी धरती मुश्तरक है, तुम्हारी जमीन मुश्तरक है, तुम्हारा नुकसान मुश्तरक है, तुम्हारा नफा मुश्तरक है। जब बारिश होगी तो सबके लिए, जब दिलदला आएगा तो सबके लिए, जब रोड बनेगा तो सबके लिए, जब स्कूल बनेगा तो सबके लिए, जब अस्पताल बनेगा तो सबके लिए, जब यहाँ पर कोई खुदा न खास्ता कोई आप बताइए तो सबके लिए। क्या हम एक कौम है या वो लोग एक कौम है जो हमारे अकीदे के हैं या हमारे साथ कोई रूहानी ताल्लुक है? ठीक है, ठीक है, हम ये कहना चाहते हैं कि एक कौम होने के नाते इंसानियत से नफरत नहीं करना चाहिए, हमें पठान से भी भाईचारगी कायम करना है, हमें पंजाबी को भी अपना भाई समझना है, हमें पाकिस्तान की दीगर कौमियतों को भी भाई समझना है, हमें हिंदुस्तानी भी अपने भाई समझना चाहिए, हमें ईरानी और अफगानी और सबको दुश्मनी की कोई जरूरत नहीं है, अमेरिकन चाइना को भी, लेकिन हमारी धरती को कोई अगर जंग का मैदान बनाना चाहते हैं तो डट कर उसका मुकाबला करना होगा। गिलगित बल्तिस्तान के जो अवाम है उनकी एक खसूसियत यही रही है कि वो एक दूसरे के अकायद का एहतराम करते थे, लेकिन अब ये जो नाचाकियाँ पैदा हो चुकी है या जो दूरियाँ पैदा हो चुकी है इनको बहुत ज़्यादा कम करने की ज़रूरत है। आए हम सब लोग मिलके दोबारा फिरकावारियत से दूर गिलगित बल्तिस्तान बनाएं। गिलगित बल्तिस्तान जिंदाबाद।